आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई कंपनी माने नहीं रखता है, बस आदमी को पसंद आ जाए और इसमें प्रॉफिट दुगने तक होती है। दोस्तों इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, आपको कहाँ से खरीदने में सस्ता मिलेगा, कहाँ पे कितना प्रॉफिट है, डायरेक्ट कंपनी से कैसे लें, बिना पैसा लगाए हमको कंपनी कैसे माल देगी, कितने दिन के साइड पर देगी, इसके लिए हमने 8 पॉइंट बताया है। अगर इस 8 पॉइंट को आप जान गए दोस्तों तो बिजनेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। विश्वास मानिए, ये आप जो हमको 10-15 मिनट का समय देंगे दोस्तों, इस 10-15 मिनट में जो हमारे विचार हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं साड़ी का बिजनेस। दोस्तों आज हम साड़ी के बिजनेस में कौन कौन से कैसे कैसे सामान रखना है सब कुछ आपको बताएं। चलिए दोस्तों पेपर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कागजात लगते हैं। दोस्तों शुरुआत में बिजनेस करने के लिए आपको कागजात कोई लेना नहीं है, फिर भी हम कागजात की जानकारी दे देते हैं, जैसे आपको जब बिजनेस बड़ा करना होगा कोई और वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए सारे कागजात को हम बता देते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है दोस्तों जीएसटी नंबर, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस और करंट अकाउंट। दोस्तों जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन यानी भारत सरकार की ये बिजनेस वेबसाइट है, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंक से कम ब्याज पे लोन मिल जाता है। दूसरा है ट्रेड लाइसेंस, नगर निगम का लाइसेंस होता है, दोस्तों बाद में ले लीजिएगा, शुरुआत में कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों करंट अकाउंट, ये पेमेंट चेक देने के लिए होता है या ऑनलाइन का भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं या कोई ऐप से भी कर सकते हैं। दूसरा बात है आपका हो गया एक कागजात, लेकिन एक कागजात शुरुआत में अभी नहीं लेना है, अभी आपको सीखना है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा दोस्तों, उसके बाद आप कागजात ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों लोकेशन, अब आपको लोकेशन देखना है, कहाँ पे कितनी घनी बस्ती है, कौन से बाजार में हम खोलें, सिटी में कैसे सिटी में खोलें, कहाँ पे खोलें, कहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, जिससे उनका निगाह आपकी दुकान पर पड़ जाए। और फिर उसके बाद फील्ड का सर्वे करिए और वहाँ पे देखिए किस तरह से लोग रहते हैं, कौन सी तरह के कपड़े पहने जाते हैं, कौन सी तरह से यहाँ पे साड़ी यूज होती है, इस टाइप का डिमांड देखने के बाद ही करना है। अब उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा शॉप, अब हमको दुकान लेना है, दुकान छोटी बड़ी कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें है डेकोरेशन, डिस्प्ले, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये इतने पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा। आपको दोस्तों जैसे आपने दुकान ले लिया छोटी बड़ी, आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, अब आप एक दुकान का नाम रखेंगे, दुकान का नाम रखने के बाद उसका बढ़िया से डेकोरेशन करवाना है, डेकोरेशन ऐसे करवाना है इंटीरियर डिजाइन वगैरह कि कोई बाहर से आपके दुकान के सामने से गुजर रहा है उसके मुंह से आह निकल जाए, वाह क्या दुकान है, क्या सजावट है, ऐसी वगैरह लाइटिंग हो, चूँकि वो अपने कदम को आपके दुकान में घुसने से रोक ना पाए, इस तरह से आपकी दुकान का डेकोरेशन यानी डिजाइनिंग होना चाहिए। अब हमारा दोस्तों चौथा पॉइंट होता है प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हमने 3 पॉइंट रखा है, डिमांड और एरिया, ब्रांडेड और लूज। अब आप देखिए शहर में खोल रहे हैं या ग्रामीण में खोल रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे साड़ी यूज करते हैं औरतें, कौन से कपड़े यूज करते हैं, लहंगे सूट क्या यूज करते हैं, उसी हिसाब से आपको बनाना है। अब दूसरा पॉइंट है, आप अपने घर में भी चर्चा कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से चर्चा कर सकते हैं किस तरह के वो लोग कपड़े यूज करते हैं, वहाँ से भी अनुभव लेकर के लिस्ट बना सकते हैं। अब उसमें दोस्तों यहाँ तो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड की बात नहीं होती है, फिर भी कोई कंपनी बहुत ज़्यादा मान्य नहीं रखती है, कुछ कंपनियाँ हैं जैसे कोई बनारसी साड़ी या सिल्क में कुछ ऐसे कुछ लेते हैं, ये आप देख लीजिएगा, या पहले तो बहुत चलते थे पूनम साड़ी ऐसा वैसा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, दुकान पे औरतें आती हैं, उनको जो साड़ी पसंद होती है कंपनी की बात ही नहीं होती, बस उनको पसंद आ जाए वही लेती हैं। ये देखने के बाद उसमें कुछ लूज भी होती हैं, जैसे डेली यूज में जो साड़ियाँ यूज होती इसको भी रखना पड़ेगा, पार्टी वेज का रखना पड़ेगा, या शादी में जो लहंगा पहना जाता है वो भी आपको 2-4 पीस रखना पड़ेगा अपने डिमांड अपने एरिया के हिसाब से। और साड़ी में दोस्तों 2-3 क्वालिटी पार्टी वेज और जो साड़ी में फैशनेबल पहनी जाती है और डेली वेयर, इस तरह के अपने घर में औरतों के साथ चर्चा करके अगर आप लिस्ट बनाएंगे दोस्तों तो सामान खरीदने में, दुकान को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प मिलेगा। अब हमारा जो 5वां पॉइंट है परचेज प्रोडक्ट, अब
हमारी लिस्ट बन गई, हमको खरीदना कहाँ है। खरीदने का हमने 3 ऑप्शन बनाया दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट एजेंसी होलसेलर, स्टेट से और डायरेक्ट कंपनी से। अब अभी आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो हर एक स्टेट में दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक एक होलसेलर होते हैं, हर एक साड़ी कुछ कंपनी के पार्टिकुलर होते हैं, कुछ लोग मिक्स रखते हैं कई तरह के। तो आप उनके पास जाइए, एक दुकान पे जाने के बाद मत खरीदारी कर लीजिए, कई दुकानों पे देखिए किसके यहाँ क्या रेट है, क्योंकि इसमें तो आप रेट ऐसे भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी का रखा रहेगा, कोई दूसरी कंपनी का। जब एक ही कंपनी का होता है तब हमको रेट कंपेरिजन करने में मज़ा आता है। तो ये देख लीजिएगा क्वालिटी कैसी है, कैसे है, रेट लेने के बाद आप वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको बड़े में शुरुआत करना है, एक स्टेप आगे बढ़ के आप राजधानी आइए। हर एक स्टेट में दोस्तों, राजधानी में बड़ी बड़ी कंपनियों के जैसे सूरत, जहाँ पे ज़्यादा साड़ी बनती है, ये लोग अपना जो है स्टेट की राजधानी में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से अंडा बनाए रहते हैं। डायरेक्ट उनके यहाँ से माल इनके यहाँ आता है और पूरे स्टेट में डिलीवरी होती है। वहाँ आप जाइए, या आप अपने स्टेट के में, हर एक स्टेट में 4-5 महानगर होते हैं, यानी बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती हैं, वहाँ पे भी एक कंपनी वाले डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बनाए रहते हैं। एक कम मार्जिन पे अपना काम करते हैं, कम परसेंटेज पे काम करते हैं। आप इनके यहाँ देख के खरीदारी करिए। अगर लंबी पूंजी लगाना है तो आपको छोटे से शुरुआत करना है तो अभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट से लीजिए। अब आपको डायरेक्ट कंपनी से कैसे खरीदना है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इस पॉइंट पर हम लास्ट में चर्चा करते हैं। आपको 15 से 20 दिन कंपनियां बिना पैसे के आपको कैसे माल दे देंगी, इस पर बाद में चर्चा करते हैं। उसके बाद आता है शॉप एडवर्टाइजमेंट, 6वां पॉइंट। इसके अंतर्गत 4 पॉइंट हमने बनाया दोस्तों, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। अब आपका जिस नाम से दुकान रखे हैं उस नाम से आप कैलेंडर छपवाइए, कैलेंडर अपने एरिया में, अपने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और पंपलेट छपवा करके हर हफ्ते 15 दिन 10 दिन पे आप पंपलेट बंटवाते रहिए, अपने दुकान का नाम उनके मतलब लोगों के दिमाग तक पहुँचाते रहिए। पेपरों में डाल के या लड़का रख के भी बंटवा सकते हैं। उसके बाद है न्यूज़पेपर में, आपके पास बजट ज़्यादा है दोस्तों, आप न्यूज़ के पेपर के द्वारा भी कर सकते हैं, नहीं तो फ्री में तो हमारा सोशल मीडिया ही है, सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या यूट्यूब के द्वारा भी, आप गूगल ऐड के द्वारा, ये सब चीज़ों के द्वारा दोस्तों सबके में नेट फ्री हो सकता है। आप यार दोस्तों के पास भेजिए, यार दोस्तों से कहिए वो अगले तक फॉरवर्ड करें। इस हिसाब से पूरे एरिया में आप अपना कब्जा जमा लीजिए। ये पम्प हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। अब जो मेन पॉइंट है, 7वां पॉइंट हमारा दोस्त, वो होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। जो मेन है, हमको सेल्फ कैसे बढ़ाएं, किस ढंग से सेल्फ बनाएं। पैसे तो सब लगा देते हैं, दुकान सब लगा देते हैं, लेकिन सेल्फ कैसे बढ़ाएं ये नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग 4-6 महीना दुकान करने के बाद फ्लॉप हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे अंदर, इसमें आपने रेट देख लिया, आपने सर्वे कर लिया, या बहुत दिन से आप सामान खरीद रहे हैं, घर की साड़ी खरीद रहे हैं, आपको कुछ औरतों को रेट भी पता है, उसी हिसाब से आपको इसमें 7-8 पॉइंट है जान लेते हैं। इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, आइटम डिस्काउंट, प्रोडक्ट ऑफर, फ्री होम डिलीवरी, फेस्टिवल ऑफर एंड शॉप ऑफर। अब दोस्तों इफेक्टिव प्राइस में हमने आपको बताया कि जैसे सबसे थोड़ा सा रेट कम रखिए। उसके बाद है गुड कस्टमर रिलेशनशिप, आपका जो है ध्यान हरदम अपने आने वाले कस्टमर के ऊपर होना चाहिए। जैसे कोई कस्टमर आपके गेट के अंदर एंट्री कर रहा है और भाई साहब नमस्कार, और मैडम जी नमस्कार, कैसी हैं, ऐसे बोलिए जैसे आप उनको बर्फों से जान रहे हैं, बहुत दिन से आपका उनका संबंध है। तो इस ढंग से आप जब बिहेवियर करेंगे वो खुश हो जाएंगे। और अगर गर्मी का सीजन है तो वहाँ ठंडा पानी रखिए या ठंडा दीजिए, अगर ठंडे का सीजन है तो एक कप चाय या गुनगुना पानी पूछना ना भूलिए। इससे आपका कस्टमर के प्रति व्यवहार बनेगा और घनिष्ठता बनेगी, वो आपके लॉन्ग टाइम तक के कस्टमर हो जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद आइटम डिस्काउंट, जैसे कुछ आइटम कोई ले रहा है, मैडम अगर आप इतने सामान लेती हैं तो इतने परसेंट का डिस्काउंट है, या कुछ अलग से जो प्रोडक्ट है उस पर प्रोडक्ट ऑफर दे सकते हैं। और फ्री होम डिलीवरी, कोई सामान शादी ब्याह का ले रहा है, मैडम आप जाइए, हम आपका सामान आपके घर सुरक्षित भेज दे रहे हैं, इसका भी ऑप्शन आप दे सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों जैसे आप जानते हैं कोई फेस्टिवल ऑफर आता है या शादी ब्याह होता है तो उसमें क्या होता है, लोग क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। अगर फेस्टिवल ऑफर आ रहा है तो किसी घर लड़की है तो ज़्यादा ये होता है कन्यादान के उपलक्ष्य में, आप बता दीजिए भैया अपने पूरे घर का सामान हमारे यहाँ से लेते हैं, जैसे साड़ी लेते हैं, बच्चों का सूट लेते हैं या लहंगे कुर्ती जो भी लेते हैं, तो मैं बच्ची के लिए ये फ्री दूंगा, इसका पैसा नहीं लूंगा, ये भी आप ऑफर लगा दीजिए या कुछ ऐसा ऑफर लगा दीजिए इतने के सामान की खरीदारी पे इतना परसेंट डिस्काउंट या इतने की छूट, ये भी कर सकते हैं। या जब आपके यहाँ कोई लहंगा ले रहा है, कोई साड़ी ले रहा है बढ़िया सा, तो उसमें आप दोस्तों क्या करेंगे, ये कह दीजिएगा लड़की के लिए जो है कोई एक साड़ी आप अपनी तरफ से, कोई जब भी शादी का सामान लेता है दोस्तों ये मान के चलिए लाख डेढ़ लाख दो लाख रुपए का सामान इकट्ठा होता है, साड़ी मिला के जो साड़ी में देना है लहंगा सब मिला के, तो उसमें 2000-4000 की साड़ी फ्री ही दे दीजिए, क्योंकि इसमें तो 40-50% ऐसे ही डिस्काउंट प्रॉफिट होता है, कोई रेट फिक्स है नहीं, आप चाहे जितना ले रहे हैं। तो दोस्तों ये करने से क्या होता है, कह दीजिए भैया लड़की के लिए हमारी तरफ से शगुन है, ऐसा बोल के आप देते हैं तो आपके यहाँ अपना तो ले ही जाएंगे, वो अपने नात मात रिश्तेदारों को भी आपके यहाँ खरीदने के लिए हो गया। ये हो गया जब कोई शादी का सामान ले रहा है, फेस्टिवल ऑफर हमने बता दिया। अब बात आ गई शॉप ओपनिंग की, जब दुकान आप ओपनिंग करिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात होती है। कुछ लोग ओपनिंग में क्या करते हैं दोस्तों, वो अपने यार दोस्तों को कह देते हैं या बाजार में जो दो चार दुकानें हैं उनको कह देते हैं, ऐसा मत करिए, आप एक कदम आगे बढ़िए। उसमें करना क्या है, एक लड्डू चाय पानी यही तो देना है, आप सबको पूरे क्षेत्र का जितना बड़ा आपका क्षेत्र है उस हिसाब से आप कुर्सी लगवा दीजिए और पूरे क्षेत्र में ये पैम्पलेट बंटवा दीजिए। इस दिन इसका उद्घाटन है और उद्घाटन में सारे क्षेत्रवासी को आना कंपलसरी है, आप खुद जाइए या हो सके तो आप बंटवा करके जहाँ तक हो सके आप खुद जाइए, इनवाइट करिए, सब लोग आएंगे। सब लोग जब आएँ तो जो ये ऑफर है ये वहाँ पे अनाउंसमेंट करिए, ये हम फैसिलिटी देंगे दोस्तों और पूरे एरिया से सस्ता सामान हम आपको देंगे, आपको दिल्ली का रेट देंगे, आपको सूरत का रेट देंगे, ऐसा कुछ उनको आप बताइए। ऐसा करने से आपकी दुकान का प्रचार भी हो जाएगा और कस्टमर भी बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की, इसमें प्रॉफिट का कोई वो ही नहीं है दोस्तों, मान के चलिए आपको कुछ ही चीज़ से साड़ी पे दुगने तक प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट कितना भी परसेंटेज हो, आप कितना भी सस्ता दे देंगे 30% से तो कम होना ही नहीं है, आपको किसी में 100% यानी 100 का खरीदे हैं 200 बिक जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट की बात दोस्तों। अब हमने एक पॉइंट रोका था डायरेक्ट कंपनी से कैसे खरीदे, जैसे दोस्तों जब आपकी दुकान धीरे धीरे पॉपुलर हो जाएगी, दुकान आपकी लुक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो हर एक कंपनी वाले एक सेल्समैन एरिया मैनेजर रखते हैं और इनका एक काम होता है सारे दुकानों पर जा करके ऑर्डर लेते हैं और डायरेक्ट कंपनी से माल देते हैं। इसमें एक प्रॉफिट ये आपका होता है, ये जो पेमेंट होता है ये आपसे चेक लेके जाते हैं 15 दिन 20 दिन, किसी किसी कंपनी वाले तो एक महीने की साइड पे आपके यहाँ माल भेज देंगे। जब आपके यहाँ माल आ जाता है तो पेमेंट आप जो है 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपका चेक लगा देंगे, ऐसा बात हो जाती है। इसी तरह से सारी कंपनियाँ आती हैं, तो एक कंपनी का माल लीजिए दूसरी कंपनी को पेमेंट कीजिए, दूसरे का माल लीजिए तीसरी को दीजिए, तीसरे चौथे का माल लीजिए पांचवें को दीजिए, इसी ढंग से आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, आपको साइड पे माल भी मिल जाता है, ऐसा भी कर सकते हैं। या आप दोस्तों जब आपकी दुकान धीरे धीरे इंप्रूव हो जाए, दुकान आपकी धीरे धीरे बड़ी हो जाए, तो आप सूरत विजिट कर लीजिए, जहाँ पे वो है आपको रेडीमेड लेने हैं लहंगी कुर्ती लेने तो आप दिल्ली चले जाइए, आप लुधियाना चले जाइए, वहाँ एक बार आप विजिट कर लीजिए कंपनी में। कंपनी में विजिट करने के बाद अपना ऑर्डर देख लीजिए, उसके बाद एक बार जब वहाँ विजिट करने के बाद वो माल भेज देंगे, आप पेमेंट डालते रहिए, आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस ढंग से आपको साड़ी रखना है, जैसे भी आपको कपड़े रखना है, एक बार आप निकल करके विजिट करने के बाद लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, माल ज़्यादा मत रखिएगा, माल उतना रखिएगा, चूँकि फैशन का ट्रेंड है, धीरे धीरे फैशन बदलते रहते हैं, जिसके माल आपका डिम ना हो, आपका बेकार ना हो, इसलिए हर बार जब भी कोई फेस्टिवल का त्यौहार आ रहा है हर साल आप कंपनी में विजिट करिए। वहाँ विजिट करने के बाद लुधियाना
पूरा दिल्ली, कलकत्ता, बड़े महानगरों में यहाँ पे अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर होते हैं। यहाँ विजिट करिए, जो नया नया फैशन आ रहा है उसी फैशन के हिसाब से आप अपने दुकान पे माल रखेंगे तो दोस्तों तो आपकी दुकान नंबर वन चलेगी। दुकान जब भी करना, आप समय के साथ चलते हुए बिजनेस करना, समय के साथ क्या बदल रहा है उस हिसाब से सामान रखना, उसी फैशन के सामान रखना, तो कभी आप अपनी दुकान में फ्लॉप नहीं होंगे। ये जो सीक्रेट आर्ट सीक्रेट है, अगर इन आर्ट सीक्रेटों को आपने अच्छे से पढ़ लिया, वीडियो दो बार तीन बार देख लीजिए दोस्तों, इस ढंग से आप बिजनेस करेंगे, कितना भी नए हैं आपका बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा। अगर ऑलरेडी आपके पास बिजनेस आप कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये आप अपना लीजिए पांच छह तरीके, तो देखिए किस तरह से आपका सेल्स बढ़ जाता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों अपने यार दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है वो कोई बिजनेस ढूंढ रहे हो, उनको भी बिजनेस करने में कुछ जानकारी हासिल हो जाए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, इसी तरह से हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे आपके पास पहुंच जाए दोस्तों। इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। आपने जो तब से 5 मिनट का समय दिया अपना, इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।